सच सीव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक यदि आपने कर दिया होगा तो उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की जो तिथि थी पहले 31 मार्च 2021 थी, अब भारत सरकार ने इसे बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया है। तो लगभग 3 महीने का समय आपको मिल गया है, ठीक है। तो आज देखेंगे कैसे अपना आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक हुआ स्टेटस कैसे चेक करते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल के ब्राउज़र में आपको क्रोम डालना पड़ेगा। क्रोम को सर्च, क्रोम पर टच करिए, क्रोम खुल के आएगा होम पेज उसका। फिर इसको आप अभी डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड पे करने के लिए आपको राइट साइड में एक तीन पिन वाला मतलब एक बटन दिखाई देगा जिस पर 3 डॉट लगे होंगे, उसको आप टच करेंगे। इसमें होता है डेस्कटॉप साइड, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये पेज आपका डेस्कटॉप साइड के अनुसार खुल जाएगा, ठीक है। अभी मैं टच कर दिया हूँ डेस्कटॉप साइड। अब इसमें आपको डालना है, टाइप करना है EFILLING। ई फिलिंग डालेंगे आप तो उसके बाद इसको सर्च करना है, ठीक है। सर्च कर देंगे, कुछ इस तरीके का होम पेज खुल के आएगा। फिर आपको सबसे पहली लाइन ई फिलिंग होम पेज पे टच करना है जो ब्लू कलर का है। इसको टच करोगे आप तो इस तरीके का पेज खुल के आएगा, एक पॉपअप आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हॉनरिंग द ऑनेस्ट। इस पॉपअप को आपको कैंसिल करना है, ठीक है। कैंसिल करने के लिए आपको इस पे जो क्रॉस मार्क लगा है राइट साइड में सबसे कोने पे, इसको टच कर देंगे, पॉपअप कैंसिल हो जाएगा। अब आपको सबसे बाएं साइड आना है। बाएं साइड में देखिए इस पे लिखा है, पहला है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, इसको छोड़ दीजिए, इस पे कुछ अलग काम होता है। दूसरा है लिंक आधार। लिंक आधार पे जब टच करोगे आप, ठीक है, तो फिर इसका एक पेज खुल के आएगा, ठीक है। इसमें यदि आप आधार को लिंक करना है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना, तो इस पर एक्टिविटी होगा। आपको स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस चेक करने के लिए इस पर देखिए यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द लिंक आधार रिक्वेस्ट। आधार को लिंक करने के लिए यदि आप रिक्वेस्ट भेज चुके तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हो आप कि कैसे आधार कार्ड का, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है क्लिक हियर, इस पर आप एक बार टच करना। टच करोगे तो एक अगला पेज खुल गया आएगा, ठीक, अगला पेज खुल गया आएगा। अब इस अगले पेज पे आपको पैन कार्ड नंबर भरना है आपका अपना, और अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। यदि आप अपना कर रहे हो तो अपना भर, दोनों के दोनों चीज़ अपना भरोगे। दूसरे का किसी का चेक कर रहे हो स्टेटस तो उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर भरोगे आप। तो इसमें जब आप भर लोगे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर, भरने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे एक बार क्लिक करना, फिर वो आपको दिखाएगा कि आपका आधार लिंक है कि नहीं है। चलिए मैं अभी अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद का स्टेटस क्या दिखाता है, ओके। तो मैं भरता हूँ अपना डिटेल्स। अपना डिटेल्स भरने के बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे टच करना है। मैं अपना डिटेल्स भर चुका हूँ तो मैं टच करता हूँ व्यू लिंक आधार स्टेटस पे, ओके। टच कर दिया मैंने, फिर देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है योर पैन इज लिंक्ड टू आधार नंबर, आधार नंबर जो भी है, ठीक है। तो मेरा आधार कार्ड जो है हमारे पैन कार्ड से लिंक हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना और दूसरे का भी आधार कार्ड पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो कि दोनों आपस में लिंक हुए या नहीं, ठीक है। इस पर भारत सरकार बहुत ही मतलब एक तरीके से दबाव डाल रही है कि लोग अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कर लें। तो आप जल्दी से जल्द इसको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।